दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु झा और बेलारूस के मिंस्क शहर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पिछले दिनों एक छोटी सी बात हो गई कि जो टेस्ला आप देखते हैं चलाते हुए उसमें तकनीकी समस्या आ गई, और तकनीकी समस्या टेस्ला में आना बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर इसमें रिपेयर नहीं होता। और समस्या जो आई है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और टेस्ला कहाँ खड़ी है आप देख सकते हैं, ये खड़ी हुई है। मैं टेस्ला के स्पेशल जो वर्कशॉप है मींस मैं वहाँ पे हूँ, और यहाँ पे सिर्फ टेस्ला ही टेस्ला खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरे साथ में ये हुआ कि अब उसमें तकनीकी ये समस्या है कि उसकी जो ढेर सारी बैटरीज होती हैं, मेरी टेस्ला में 16 बैटरी हैं, मतलब 16 सेल्स हैं, तो 16 सेल में से एक सेल जो है वो ख़राब हो गया है। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगा। और अभी टेस्ला की वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे खड़ी हुई है, आप देखिए ये है। और सिचुएशन जो है क्योंकि काफ़ी समय से खड़ी है तो सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब इन्होंने तकनीकी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ला अगर ख़राब होती है बेलारूस में तो क्या होता है, तो वो भी आप जान पाएंगे। तो यहाँ पर हालाँकि टेस्ला का पूरा रिपेयर हो जाता है बेलारूस में, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर अब आप मुझे अब इसके सेल जो ख़राब हो गया है, आपको जो लोगों को गाड़ियों का इंटरेस्ट है उसको बता दूं, एक सेल है वो चेंज करना है। टेस्ला में दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, एक बैटरी और दूसरी मोटर, और दूसरा उसकी मोटर में एंटी फ्रीज यानी कि जो कूलेंट है ना वो घुस गया है। तो तकरीबन $2,000 का खर्चा जो है वो बैटरी बदलने में है, यानी उसका एक सेल बदलने में है, और तकरीबन उतना ही खर्चा $2,000 के आसपास का जो है वो है उसके मोटर को क्लीन करने या रिपेयर करने में। तो अब मेरे पास इन्होंने एक दूसरा ऑप्शन दिया कि उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं कि या तो इसे रिपेयर करा लीजिए, $4,000 दीजिए, और या फिर हम आपके लिए, क्योंकि जो इसके गैरेज के जो मालिक हैं वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पास आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको देख रहे हैं आप पीछे एक और टेस्ला खड़ी है उनकी, तो रेड कलर की जो टेस्ला है जो इसका थोड़ा सा नया वर्जन है, दोनों ही सेकेंड हैंड है, पुरानी गाड़ियाँ हैं, इससे थोड़ा नया वर्जन है और वो फोर व्हील ड्राइव है। तो आप चाहें तो इतना पैसा रिपेयर में ना खर्च करें बल्कि थोड़े से पैसे और दे करके आप ये वाली गाड़ी से बदल लीजिए। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट में लिख करके बताइए कि मैं क्या करूँ, क्या मैं इसी टेस्ला को रिपेयर कराऊँ, या जितने पैसे लग रहे हैं उसके डबल पैसे या थोड़े और ज़्यादा पैसे दे करके मैं गाड़ी ही बदल लूँ जिसमें कोई रिपेयर की पंगा ही ना हो। तो ये दोनों इस समस्या में हूँ, आप सभी मेरे परिवार के दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं यहाँ पे हूँ, टेस्ला की स्पेशल वर्कशॉप है यहाँ पे, और उसमें हूँ। हालांकि यहाँ पे ऑफिशियल वर्कशॉप तो होती नहीं, टेस्ला कंपनी का शोरूम नहीं है, लेकिन ये लोग हैं ये सभी काम कर लेते हैं। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज़ लिखिएगा कि क्या मैं इस गाड़ी को रिपेयर करवाऊँ, और या फिर मैं कुछ पैसे और दे करके एक दूसरी टेस्ला ले लूँ, नई नहीं, वो भी पुरानी होगी लेकिन ज़्यादा एडवांस वर्जन, फोर व्हील ड्राइव और बिना किसी प्रॉब्लम के, और उसमें गारंटी भी मुझे मिलेगी कुछ समय की। तो आपके कमेंट्स का इंतजार है दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ कि टेस्ला में क्या क्या हुआ है। ये टेस्ला की वर्कशॉप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग सभी टेस्ला जो है, थैंक यू, यहाँ पे है, यहाँ पे सभी गाड़ियाँ रिपेयर हो रही हैं। और मेरी जो बैटरी थी ना वो उन्होंने रिपेयर के लिए यहाँ लगा रखी थी, मैं आपको वीडियो में, पुराने वीडियो में दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं रिपेयर की तैयारी चल रही है, और वहाँ पे मेरी गाड़ी लगी हुई है, तो मेरी गाड़ी उधर लगी हुई है। अब आप की सलाह चाहिए कि करें क्या, हम करें ये कि या तो हम इस टेस्ला को फिर से रिपेयर करें और चलाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी रिपेयर जो है थोड़ी सी स्ट्रेंज होती है, एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि हम इसे रिपेयर ना करें और हम ये बगल वाली रेड वाली टेस्ला ले लें। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है, आपकी सलाह, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे दोस्त हैं, और जो कुछ भी मैं हूँ आपके कारण हूँ, तो मेरे जीवन की छोटी सी जो परिवर्तन होने वाला है ये आपकी सलाह मुझे चाहिए, आप मुझे बताइएगा। आपका प्यार हमेशा मुझे चाहिए,
और आपके कारण ही मैं हूँ। आप सभी से बहुत प्यार, बहुत बहुत आप सभी छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, कमेंट्स का इंतजार है। जय हिंद, दस विदानियां।